फ्रीडम, आजादी किसको पसंद नहीं? हम सबको पसंद है, हमारे बच्चों को भी आजादी पसंद है। एक समय था जब हम बच्चे थे, दिन भर एक दूसरे बच्चों के साथ मिलकर खेलते रहते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन दोस्तों के साथ मिलकर अलग अलग खेल खेलते, और लगता ये खेल हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे थे। वो दिन याद करता हूँ, वो लड़कियाँ जो अलग अलग गेम खेलती थी। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। चाहे कहीं भी तुम रहो, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे। आंखें भर आती हैं, वो खेल जो हम खेलते थे उससे हमारे शरीर का ही नहीं, हमारे शारीरिक, सामाजिक और मानसिक पूर्ण विकास होता था। लेकिन आजकल बच्चों को वह आजादी कहाँ? स्टडी, मोबाइल, टीवी, बस। बेटा क्या कर रहे हो? मम्मा ऑनलाइन क्लास लगा रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है। बेटा पल्लवी अगर क्लास खत्म हो गई तो खाना खा लो ना। हाँ माँ आती हूँ, आप टीवी ऑन कर दो। बेटा खाते खाते टीवी नहीं देखते। मम्मा आपको पता है ना मैं टीवी और मोबाइल के बिना खाना नहीं खाती हूँ। आप प्लीज टीवी ऑन कर दीजिए। पल्लवी, बेटा पल्लवी क्या कर रही हो? मम्मा मोबाइल पे गेम खेल रही हूँ। बाहर जाके दोस्तों के साथ गेम खेलो ना। मम्मा दोस्तों के साथ ही खेल रही हूँ मोबाइल पर गेम, वो भी फ्री फायर गेम। हे भगवान इन बच्चों का क्या होगा। हमेशा इन चीजों में बिजी, कैसे होगा इनका विकास? माना आजकल की इन सभी चीजों की जरूरत है, माना आजकल इन सभी चीजों की जरूरत है, लेकिन हमेशा इसी के साथ जुड़े रहना ये भी तो ठीक नहीं। इन चीजों के कारण हमारे बच्चे एक जगह के ही रह गए हैं। बच्चे ही नहीं, हम सभी इसके आदि हो गए हैं। ठीक है इनका यूज करें, लेकिन एक लिमिट तक, और अपना समय अपने स्वास्थ्य के लिए भी निकालें। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो हमारा भविष्य भी अंधकारमय होगा, किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होंगे। हमें इससे बचना चाहिए और हमारे बच्चों को भी इन चीजों का उपयोग उसकी उपयोगिता के अनुसार करना चाहिए। बचपन कहाँ गया, गुमसा